गाइस ये हो रही है शादी की तैयारियां स्टार्ट। हमारे घर में शादी की तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं। अभी हमारे घर में शादी की मिठाइयां आ गई हैं, शहनाइयां अभी से बजने लग गई हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि वहां जाके सबसे बेस्ट तो वही रहेगा, क्योंकि हम लोग अरेंजमेंट कर पाएंगे घर से जितना पास रहेगा। गैदरिंग कितनी होगी, इनको आइडिया चाहिए पूरा। ओए लखनीत, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लखनीत व्लॉग्स। मैं जा रही हूँ वर्कआउट करने के लिए, आज मैं 8 बजे कर रही हूँ अकेले। सुन दीदी आ गई लेकिन वो आज नहीं कर रही है, और मैंने 5 o'clock नहीं किया था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही थी उस टाइम। अब मैं फाइन फील कर रही हूँ तो मैं जा रही हूँ। तो हमारी योगा हो गई है डन, और आज हमें योगा करके ज्यादा अच्छा नहीं लगा क्योंकि 8 बजे बहुत शोर था, इसलिए वरना हम 5 बजे करते हैं सुबह सुबह। अर्ली राइजर, यस। टेडी पहले तो सबको हेलो बोल दो। हेलो मम्मा अपनी वर्कआउट करके आ गई है, और टेडी की मम्मा दिखाना चाहती है कि काफी सारे नवरात्रे के कपड़े आए हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे से सूट हैं। एक ये है कुर्ती, इसके साथ ये पजामी, दुपट्टा पता नहीं कहाँ है, कल ही ओपन कर दिया था मैंने, लेकिन कल मैं थोड़ा बिजी थी इसलिए दिखा नहीं पाई। बहुत ही प्यारे प्यारे सूट हैं। ये एक लेडी है जो अपना बिजनेस रन करती है, बहुत ही प्यारे प्यारे सूट भिजवाती रहती है मेरे लिए, और काफ़ी सुंदर सुंदर कुर्तीज भिजवाए हैं। वाओ, गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू लखनीत व्लॉग्स। मैं नहा भी लिया हूँ, मैंने पूजा भी कर ली, अब बस खाने की बारी है। ब्रेकफास्ट में देखते हैं क्या बनवाया नीतू ने। सो नीतू, क्या बना ब्रेकफास्ट में आज? ये क्या है चटनी के साथ? ये बॉल्स, ये टिक्की जैसी लग रही है, क्या है ये? आपे। ये कहाँ पे बनते हैं? ये बनते हैं हमारे घर पर भी। पहाड़ों में? नहीं नहीं, तो यहाँ पर। ये आपे तो मैं पहली बार खाऊंगा, बताता हूँ कैसे हैं आपे। कंजी कहाँ गई हमारी? ऊपर होंगे सब। आजा बुआ, नमस्ते, कैसी हो? व्लॉग ही देख रही हो, कुछ और देख रही हो? अरे व्लॉग ही चला रखा है। थोड़े चक्कर से आ रहे हैं अभी तुम्हें कुछ तो वैसे ही नहीं है। थोड़ी तबीयत खराब हो रही है इसकी, इसको नजर लग गई है, ऐसा मानना है सबका। रिक्की को कभी नजर नहीं लगती, एकदम बचा हुआ है इन चीजों से। किसकी लगी है? किसकी किसकी लगी है? मेरी लगी है इसे। कल ये बहुत सुंदर, बहुत अच्छी लग रही थी। इस चीज से रिक्की हमारा एकदम निश्चिंत है। ये मेरी भी लगी सकती, मेरी भी हो सकती है, लग गई हो। तुझे भी लग गई है? नहीं मेरी भी लग गई हो। तेरी नजर लग गई हो? हाँ। नहीं मैं कह रहा हूँ तुझे क्यों नहीं लगती कभी? क्यों? हम स्ट्रॉन्ग है, हम नजर को, हम नजर हमारे पास आती है, हम नजर को ऐसे करके गिरा देते हैं। चले जा चले जा। क्या है क्या है? नजर से बस लेंगे सब, कहते हैं काला टीका लगाओ, ब्लैक कोट, तो मैंने ब्लैक पग ले लिया। ये पग नहीं है, कौन है? गुड मॉर्निंग बहन। मॉर्निंग। सुबह सुबह जबे खा के ऑफिस जा रही है अब तू? और वो क्या लेके जा रही है, लंच? लंच लेके जा रही है? खराब है। देखो कौन आया है, शाइब आया है, शाइब आया है। ले चलो बता, ये था तुम्हें? नहीं मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। और किसके पास जाएगी? तेरा फास्ट है क्या? फास्ट नहीं है, पक्का प्रॉमिस? पास रखा था फिर 12 बजे तोड़ना पड़ा क्योंकि चक्कर आ रहे थे। अच्छा अच्छा शाइबा, इधर तो हाई कर दो, तुम तो लोगों को तो भूल ही गए बिल्कुल। अब तुम स्टार जब से बने तो से बात नहीं कर रहे हो लोगों से। स्टार किसका बन गया? क्यों, लोग अब तुम्हें इतने पहचानते हैं, तुम इतने सारे मैसेज करते हैं, तो तुम बात थोड़ी कर रहे हो आज की डेट में हमसे। ना ना ऐसा कुछ, मैं यहाँ कैमरा लेके बैठा हूँ, तुमने कोई भाव ही नहीं दिया बिल्कुल। ना ना वो देखो, ये कैमरा बाद में है। पहले मेरे लिए नीतू है भाई। अच्छा हुआ, सही बोल रहा है। नहीं ये चीज देखो, अब इनको लोग पहचानते हैं बहुत, शाइबा को हर कोई जानने लगा, तो शाइबा मुझे ही नहीं बात कर रहे मेरे से ही। ये हमारे बेस्ट भैया हैं, सबसे अच्छे हैं, सबका ध्यान रखते हैं और मेरे को कॉल करते रहते हैं, और इनकी बीवी बहुत अच्छी है, मेरी वीडियोस लाइक करती हैं, और इनका बच्चा भी अच्छा है। बस बस बहुत हुआ बहुत हुआ, अब शाइबा रो देंगे ज्यादा कहेगी तो। शाइबा अच्छाइयों का पुतला है, है शाइबा। अब इनके दिमाग में कुछ चल रहा है जो ये कुछ कहने वाले, रुक जा थोड़ी देर, रुक जा। हमारी बुआ जी की तो बात ही, अब बैठ जाओ ना साथ। मैं ये सोच रहा हूं कोई अच्छे डॉक्टर के ले जाऊं तुझे। शाइबा मत सोचो, सोच ले शाइबा। मैंने अभी बताया अजय भैया को, अजय भैया बुआ जी बहुत पतली हो गई टेंशन में, तो कह रहे घर में काम चला। मैंने कहा नहीं दीदी की शादी है इसलिए, तो भैया क्या कहते हैं? बुआ जी बाकी में टेंशन में हो? सही बताइयो। टेंशन भी है थोड़ी, लेकिन किस चीज की? शादी की टेंशन, शादी होगी सब काम कैसे करेंगे? वो लड़की का धन है तो एक ना एक दिन तो जाना है उसे। अब क्या क्या दूसरी, अब फिर आकाश का इंतजाम करो, आकाश को भी शादी करवा के फिर वो भी दोनों तो टाइम हो जाएंगे नगर में भी, रूबी की जगह आकाश की वो आ जाएगी। अरे ओ भाई साहब, ये तुम ये जो बहुत समझदारी की बात कर रहे हो, इससे उन्हें टेंशन ये है, शादी होनी है, अरेंजमेंट होने हैं, तो इससे वो क्या कम हुआ? सुनो सुनो,
सबकी यू तो दिमाग में से निकाल दो, टेंशन तो बिल्कुल करनी ना चाहिए, शादी तो हो जा अपना आप ही, अपने आप हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, जो इस चीज को सोच कर चलोगे ना क्या करना हो जाएगी, बिल्कुल सब भगवान के ऊपर करने वाले। हाँ, तो हम अपना कर्म करेंगे खुद, क्या क्या जो भी काम है हम खुद करेंगे, तो ऊपर वाला सब दिखता है। साहिबा साहिबा पैर दियो अपने, क्या करूँ, छू लो आशीर्वाद ले लो, ना आशीर्वाद ले लो, ऐसे ही आशीर्वाद है तुझे। साहिबा बोल रहे हैं फोन देख के मेरा क्या टेम्पल बदलवा ले। टेम्पल 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 क्या टेम्पल? इसका स्क्रीन गार्ड। अच्छा टेम्पर्ड ग्लास, सही पकड़े हैं। ये बदलवा लूं? तुम आज फोन लेके जाओ, बदलवा लो इसको, ठीक है, और फिर फोन तुम ही रख लेना। ठीक है, पक्की बात? पक्की बात। तो हमारे साहिबा को चाहिए था, क्या चाहिए था? नेटफ्लिक्स। क्या बोला तूने? नेटफ्लिक्स मैंने कर दिया, अभी नेटफ्लिक्स पे देखेंगे क्या? दिल्ली क्राइम। क्राइम ही देखोगे मतलब? हाँ ठीक है भाई, अभी नेटफ्लिक्स पे दिल्ली ग्राम देखेंगे, खूब देखो तुम, ठीक है? ठीक है। अमेजोन भी करना हो वो भी बता देना, डिज्नी हॉटस्टार करना वो भी बता देना। ना ना, बहुत सारे ऐप है मेरे पास। ना ना बस मुझे ठीक है ठीक है ठीक। बुआ जी जाने की जिद कर रही हो अभी से? नहीं फुफा जी, क्यों जिद कर रहे हो जाने की? बेटा काम भी है। हाँ, अब तो नहीं हुआ, अभी मैं नहीं। 6 दिन रहते हैं गाइस, 6 दिन के बाद हमारे घर में शहनाइयां बजेंगी और भैया डांस करेंगे। साहिबा डांस करते हैं ना? क्या एक बार दिखा दो कैसे करोगे? दिखा दो एक बार। बिल्कुल कह रहे हैं पंजाबी गाने पे करूंगा। करो तो सही, एक बार डांस दिखा दो एक बार, कैसे करोगे? ऐसे ऐसे करके। नहीं ऐसे करो। ना ना उस दिन मैं तुम्हारा वाला वो सुन तो सही, ऐसा हुआ एक मैं शादी में गया तो वहां शादी में जाने क्या क्या करी आपकी हर एक बात याद है। हाँ फिर क्या हुआ? मैं एक शादी में गया तो एक बहन ही छोटी सी, तो वही मिली दारू, दारू पीने वाले उसके साथ ही जावे तो आदमी एक बुढ़ा सा वो पैक पिए का कर वही ना जाए घोड़ी के सामने ही। और फिर क्या उन्होंने 4-5 पैक ले लिए और जब छठे पैक में वो नागे डांस जमीन पर लेट गया। शायद वो सब चीजें याद रखे ए टू जेड। तुझे कहाँ कहाँ की बात याद रहे, तो कितनी पुरानी बात याद रखे। जब से पैदा हुआ जब से जीत रही है। इनके सामने कोई बात हो गई समझो वो रिकॉर्ड हो गई। बिल्कुल गाइस, आज मुझे लग रहा है कि मुझे ना थोड़ी रेस्ट की बहुत थोड़ी नहीं जरूरत है, क्योंकि मैं शायद खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, देखो इतने चक्कर आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी आप शक्ल फेस देखो, लग ही रहा होगा आपको पता। गाइज मैं आपके बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ती हूँ डेली, और मैं यहाँ पर भी बताती हूँ कल क्या हुआ। कल मैंने कमेंट्स पढ़े और मेरे फ़ोन में वो शॉर्ट्स रह गए, चलो वो तो हमने स्किप कर दिया। आज मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं डेली की तरह। एक है जिन्होंने कमेंट किया है जैम विम्प 11 ने, नीतू डेली गॉड प्रे करा करो बेड में। उन्होंने लिखा है नीतू डेली गॉड की प्रे करा करो, जब आप सोने जाओ तो नींद अच्छी आएगी। मैं सोने से पहले हमेशा ब्रश करके हाथ मुंह पैर सब कुछ वॉश करके हनुमान चालीसा पढ़ के ही सोती हूँ और मुझे नींद अच्छी आती है। ऐसा नहीं मुझे नींद नहीं आती, बट मेरा नींद का जो टाइम है ना वो कम है। यूजुअली क्या होता है लोगों का टाइम 7-8 घंटे सोने का होता है, मेरी जो बहन है वो 10 घंटे सोती है, मतलब सबका अलग अलग होता है। मेरा टाइम बहुत कम है, 5 घंटे भी अगर सो जाऊँ ना तो मेरी नींद पूरी है इसीलिए, और कल तो मुझे नहीं आई थी। दूसरा कॉमेंट है हर्षिता यादव का, वो कह रही हैं कि लखनीत वी वॉन्ट टू सी यू बोथ इन गरबा ड्रेस, We have seen Neetu's video, but we also want Lakhan in that Gujju look. Please, please. Okay, Lakhan की भी मैंने ड्रेस बनवाई थी लास्ट ईयर जो हमने नहीं पहनी, बट इस बार मैं ढूंढती हूँ अभी वो ब्लैक ड्रेस हमारी मैचिंग की, वो पहनते हैं हम लोग 22nd को। सिम्मी रावत 315 ने कमेंट किया है, हे ब्यूटीफुल नीतू एंड लखन फैमिली, आप लोगों को देखकर मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और सबसे ज़्यादा नीतू आपको देखकर, थैंक यू सो मच। इतनी कम उम्र में इतनी समझदारी शायद ही किसी के अंदर, आपको काम के प्रति इतना डेडिकेशन होना वो देखकर मुझे खुद में पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, आई कांट एक्सप्लेन। और जैसे आप ब्यूटीफुल हो वैसे ही आप दोनों का दिल है, यू बोथ आर प्योर सोल, आई रियली लव यू बोथ। ऐसे ही अपने परिवार को प्यार करते रहो और थोड़ा सा हमें भी, हम सब आपको पहले से ही बहुत सारा प्यार करते हैं, बहुत 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 सारा, तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है प्लीज़। और प्लीज़ नेक्स्ट टाइम उत्तराखंड आओ तो मीटअप रखना, आई एम फ्रॉम रुद्रपुर उत्तराखंड नियर बाय हल्द्वानी। वाओ गॉड ब्लेस यू लखनीत। तो सिमी रावत जी, हम लोग नवंबर में ट्राई कर रहे हैं उत्तराखंड आने का, हमारे 10 तक हम लोग बिजी, हमारे इवेंट्स है शूट्स है, 10 नवंबर के बाद हम फ्री हो जाएंगे, और नहीं दिवाली के बाद ही फ्री होंगे, 14 की दिवाली है ना, दिवाली के बाद हम लोग पक्का उत्तराखंड आने वाले हैं आप सभी से मिलने, हम एक मीटअप रखेंगे उधर पक्का पक्का। नीतू के पास सिर्फ एक ही कॉम्प्लीमेंट
होता है क्यूट। हाँ यार मैं क्यूट वर्ड बहुत यूज करती हूँ क्योंकि मैं मुझे कोई अच्छा लगता है तो मैं इसको क्यूट बोलती हूँ। मुझे देखो लखन तो मुझे ऑल टाइम फेवरेट है तो लखन का तो मैं दिन में 50-100 बार बोल देती हूँ क्यूट है। पुनीत पुनीत बताया पुनीत कितनी बार बोल देती हूँ मैं खाना खा लिया फिर क्यूट बोलना है फिर क्यूट बोलना है सुबह उठ के भाई क्यूट बोलना है नाश्ता करने के बाद क्यूट बोलना है फिर लंच के बाद और ज्यादा बातें नहीं बतानी। तो वो तो वर्ड मेरे जबान पर रहता है लखन के लिए बट अगर कोई मुझे और भी पसंद आता तो मैं उसको भी क्यूट बोलती हूँ। अब मैं दूसरे वर्ड भी ढूंढती हूँ गूगल करती हूँ क्या बोलना चाहिए। गाइस हम शूट का वेट कर रहे हैं तुषार और पूनम दीदी गायब है मिसिंग है। शूट के दौरान इन्होंने बोला कि हम लोग यहीं हैं हम पीछे देखने आए हैं वो लोग है ही नहीं। चाहिए तुझे दिख रहे हैं भैया कहाँ है बाप रे इन लोगों की वजह से ना हमें शूट में प्रॉब्लम्स हो रही है। देख रहे हो आप कैसे शूट कर रहे हैं दोनों के दोनों मतलब बताया भैया दोनों नीचे आ गए शूट करने मैं रेडी हो रही थी जब। गाइस ये हो रही है शादी की तैयारियां स्टार्ट हमारे घर में शादी की तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं। मैं मजाक कर रही हूँ यहाँ पर माता की चौकी है वो लगने वाली है और अभी कीर्तन होंगे दिन में तो मैं देखने के लिए आई हूँ कि सब मतलब कैसा चल रहा है क्योंकि कीर्तन में बैठना मुझे बहुत पसंद है मतलब वो भजन जब कान सुनती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा बहुत रिफ्रेशिंग फील करती हूँ। तो मैं देखने आई थी कि अभी कोई और लेडीज तो नहीं आ गई। हमारा शैतान मास्टर राइस खा रहा है और कितने और देखो देखो नहीं तो तेरे से ही खाना है उसे तेरे हाथों से इसकी आदत मत बिगाड़ो बचपन में ये बाद में यार बहुत परेशानी हो जाएगी। अरे ये भी बेटा चावल लिए जो रखे हैं यहाँ पे खा गया 2 मिनट में हाथ से कितना प्यारा यार ये और चेटा भी खाने लगा आजकल ये देखो देख देख ओह एकदम ही उसके पास जा रहा नहीं इसको 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 पकड़। गाइस मैं थोड़ी सी थकान में था क्योंकि रात 1 बजे सोया सुबह प्रॉपर नींद नहीं मिली तो अभी मैंने नैप लिया पावर नैप 40 मिनट का था या आधे घंटे का जो भी था। अभी हम लोगों ने प्लान करा क्योंकि नवरात्रि चल रहे तो हम लोग एक जो मीटअप करने वाले थे पहले हमने सोचा था कि हम मथुरा में मीटअप करेंगे लेकिन अभी हमने चेंज कर दिया है। हम लोग एक माता की चौकी ऑर्गेनाइज करा रहे हैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स के लिए आप लोग आ सकते हो। अभी हम जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ अभी मैं और पुनीत और सैंडी भाई शायद हम लोग जा रहे हैं वेन्यू बुक करने आप लोगों को लोकेशन शेयर कर देंगे शायद 22 तारीख को ये होगा और आप लोग सादर आमंत्रित हैं। सॉरी गाइस एक अपडेट है नीतू ने भी अभी बोला है कि 22 को नहीं 21 को होगा क्योंकि 23 को नीतू भी वाला फंक्शन है जो बोध बराई में हमें जाना है इसीलिए हम 21 को करेंगे इसको ताकि हम 22 को फिर तैयारी में लग जाएं 23 को वहाँ पर पहुँच जाएँ। एंड मैं एक चीज़ बताती हूँ बहुत ही गुड न्यूज़ है कि बुआ जी ने मेरी इतनी अच्छी नज़र उतारी कि मुझे ना चक्कर आ रहा है ना मुझे वीकनेस लग रही है। अच्छा और मैंने अभी 2 रोटी खाई है रोटी मैं खाती नहीं हूँ महीनों बाद मैंने रोटी खाई है खूब सारे चावल खाए हैं मतलब नजर ही थी यार सच में कोई नहीं चले यार वीकनेस तो नहीं ना लगा लूंगा तू मेरी बात सुन तुझे 1 घंटा हो गया मैं कह रहा हूँ जल्दी खाना का वो खत्म करने चलना है खत्म हो गया चलो। तो अब हम आए हैं मेले में क्योंकि लखन आसपास ही हैं वो पूछने गए हैं जागरण का पूछने गए हैं और हम यहाँ पर तब तक मेला देख रहे हैं कि मेले में मतलब क्या क्या चीजें मिल रही हैं। तो हम लोग निकल गए घर से अपनी लोकेशन फाइनल करने के लिए मेरे घर के पास में टिबोली गार्डन हम लोग सोच रहे हैं कि वहाँ जाके सबसे बेस्ट तो वही रहेगा क्योंकि हम लोग अरेंजमेंट कर पाएंगे घर से जितना पास रहेगा उतना कंफर्टेबल रहेगा हमारे लिए बट लेट्स सी कि बुकिंग मिलेगी उस दिन क्या नहीं मिलेगी। तो ये हमारे घर के सबसे क्लोज है अवध ग्रीन्स नाम से हम सोच रहे हैं जगह तो अच्छी खासी है सब्सक्राइबर्स काफ़ी सारे आ सकते हैं यहाँ पे लोग काफ़ी सारे आ सकते हैं हम यहीं पर कराएं एक बार पता करते हैं पुनीत जाके अवेलेबल है या नहीं। गाइस पहली जगह से तो हम निराश हो गए बिकॉज यहाँ पर इन्होंने बोला है गैदरिंग कितनी होगी इनको आइडिया चाहिए पूरा उसके हिसाब से पर पर्सन 1000 रुपए के हिसाब से ये खाना वाना सब अपना खुद का करेंगे। अभी हमें खुद को नहीं पता कितने सब्सक्राइबर्स आ पाएंगे हमारे तो हम कैसे कुछ भी कमिट करते हैं हमें चाहिए सिर्फ एक रेंटेड जगह जहाँ हम खाना पीना अपना खुद से अरेंज कराएंगे सबके लिए तो यहाँ से तो ना है अब किसी दूसरी जगह चलते हैं। एंड हमने यहाँ पर ये गेम खेला है जिसमें हमने 500 रुपये हार लिए और सिर्फ उसके बदले में मिली एक सारे मुझे को याद करा है उसके बदले मिली हमें फ्रूटी बहुत धोखेबाज यार YMCA में आए थे यहाँ भी वही बदमाशी कि आप अगर इन हाउस लोग हैं हमारा तो ही हम करेंगे इनका टाई अप होगा किसी से आई डोंट नो क्यों ऐसा हर जगह रूल चेंज हो गया और यहाँ गैदरिंग है कि 100 से ज़्यादा लोग नहीं बुला सकते तो वो तो कोई मतलब ही नहीं बनता। इतना अच्छा खासा प्लान बना था इतना अच्छा खासा दिमाग में आया था कि सब लोग के साथ मीटअप भी हो जाएगा इसी बहाने बट गुड़ गोबर कर दिया इन लोगों ने यार अब फिर से कोई और प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी। तो आज मैंने घर पर ये वाले राइस बनवाए जो दीदी बनवा कर खाती थी काफ़ी अच्छे क्योंकि इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स भी डलवाए मैंने और ये पनीर की डिश बनवाई पनीर टिक्का टाइप का लेकिन पनीर टिक्का नहीं है उसी से सिमिलर कुछ है। गाइस हमने अपनी तरफ से पूरी जान लगा दी लेकिन यहाँ आसपास कोई भी अभी तक लोकेशन ऐसी नहीं है जहाँ पर हम ऑर्गेनाइज कर पाए माता की चौकी हमारा इतना मन था और ये कोई फेस्टिव सीजन भी नहीं है उसके बाद भी इतने उल्टे सीधे इनके डिमांड्स होते हैं जहाँ पर भी वेन्यू देखने जा रहे हैं। अगर आप ही नोन में कोई अच्छा वेन्यू है ग्रेटर नोएडा में तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताना मैं ज़रूर वहाँ भी ट्राई करूँगा मैं चाहता हूँ सबके साथ मीटअप ऐसा हो जाए अगर इनकेस ऐसा नहीं हो पाता मीटअप तो होगा कुछ और तरीका सोचते हैं फिर जो हम पहले सोच रहे थे वही कर देंगे वरना तो आपको इन्फॉर्म मैं करता रहूँगा बस आप अपडेटेड रहना आप मेरी स्टोरीज भी चेक करते रहना यहाँ भी अपडेटेड रहना। अरे वाह नीतू
अरे हाय नहीं, ये बता क्या करा हुआ तूने? ये मैंने होम रेमेडी बनाई है। वो ये कैसी रेमेडी है? ये तो बाहर से आती है, पॉलीथिन पर लपेटी हुई है। पॉली लगा दो और फिर वो रहते हैं। क्या रहते हैं मतलब, क्या करा है तूने? मैं भी बताऊंगी जब मेरे को कुछ दिखेगा चेंज, तो मैं सबको बताऊंगी। अभी नहीं बताएगी? तूने कुछ लगाया इसका मतलब? हाँ, क्या पर बनाकर। अच्छा, वो तो बाद में बताएगी। तो इससे फर्क मिलेगा? बालों को ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही तेरे को अभी? नहीं, इस फिर ना वो गिर जाएगा, इसलिए तो इसीलिए ऐसे ही चलने दो अभी। हाँ, 45 मिनट्स। ओके। मैं तू शैतान, सबसे ज्यादा नोटी है हमारे घर का, ये सबसे ज्यादा नोटी। कैसे देखता है, छोटी छोटी बटन जैसी आंखों से देखता है। ओके, तो तुषार लेकर आया बहुत ही अनमोल अनमोल चीज लखन के लिए, हमारे घर के लिए। हाँ तुषार, अभी तुम्हें टाइम मिला है तो हम तुम्हें अभी देंगे। इसमें फोटो है, इतना तो मेरे को पता है इसकी शेप देख के। तुषार क्या है भाई इसमें? फोटो ही है। नाउ ओपन इट। मैं खुश हो जाऊंगा, ऐसी चीज है। गेस करो। मेरी है नीतू की फोटो? नहीं। हनुमान जी, नीम परोली बाबा। हाँ, इनमें से कुछ है। इसको देखो, इसको कुछ। डॉगी कहाँ भौंक रहे? मैं ठीक बोल रहा हूँ? हाँ, मैं ठीक बोल रहा हूँ। इन्हीं में से कुछ है। देखते हैं तुम कितना खुश होते हो। खोलो खोलो भाई, खोलो खोलो। और मैंने मास्क अभी तक लगाया हुआ है। 10 मिनट्स हुए हैं अभी। ओपन इट। ब्लानी, टिक 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 टिक। बड़ा होके कैमरा मैन बनेगा ये भी। कैमरा मैन जल्दी फोकस करो। तुषार क्या है बता दो। मुझे मेरे मन में आ गया कि भैया के लिए ले सकता हूँ। ये तुम्हारा मन पढ़ लेता है। मतलब हमारे मंदिर में, उस घर वाले में तो है, इधर वाले में नहीं थी ना, तो मैं सोच रहा था, लेकिन ये काफी बड़े मंदिर में तो नहीं आएंगी है, ये वाली फोटो है ना। इसको कहीं लगा देंगे, लेकिन मंदिर के आसपास जगह, लेकिन मेरे मेरे गुरुदेव की फोटो आ गई। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू तुषार यार, ये सच बता रहा हूँ, अभी तक बेस्ट गिफ्ट है, बेस्ट। मैं अभी दिया भी जलाऊंगा तो अभी रख भी देता हूँ इनको। इनको कहाँ रखे फिर यार? आई थिंक यू शुड वॉश योर हैंड्स फर्स्ट ना। लेकिन इनको रखे कहाँ? गुरु जी को, गुरुजी को। देखो हमारे पास दुर्गा माँ की फोटो काफी सारी है। पूरे प्रिंट आउट करके निकलवाएंगे कहाँ पे? नहीं तो अरे सामने लगा सकता हूँ। हाँ सामने लगा देते हैं ना, फैन हटवा देते हैं, क्योंकि अभी तो हमारा मंदिर भी चेंज होगा ना। बीच वाला तो है। हाँ यार, बीच वाला नहीं है, बीच वाला लग जाएगा, बीच वाला लग जाएगा। नहीं लगेगा तो दो वो लटक जाएगा ना, तो फिर एक तरफ को ऐसे तो नहीं रखना चाहिए ना पीछे। तो चलो कुछ देखते हैं, देखते हैं कैसे रखा लगाना। या आई थिंक यहाँ लगा दे, लगा के दिखाना। लगाई नहीं कहाँ पे? नहीं तू देखने। हाँ लगवाना पड़ेगा, ठीक है इनको लगवाते हैं। तो अभी हम यहाँ रख देते हैं। मैं फिर इतने में दिया जला दूँ। सुनो यहाँ रख दो, डाइनिंग टेबल नहीं, खाना कहाँ है? यहाँ रख दो, नहीं यहाँ रख दो। एक सेकेंड, इसको मैं नीचे रख देती हूँ। इसको ये पहले टेबल क्लीन कर दूँ? सब आशीर्वाद ले लीजिए बाबा जी का, सब पर आशीर्वाद बना के रखा। गाइस इग्नोर मेरी हालत, मेरा काजल फैल चुका है क्योंकि मैंने अभी हेड वॉश किया है। अभी हमारे घर में शादी की मिठाइयाँ आ गई हैं, शहनाइयाँ अभी से बजने लग गई हैं, क्योंकि हमारे घर में शादी है पुनीत की बहन की। हाँ पुनीत को लगा इसकी तो नहीं है, तो अब हम ये मिठाई खोलेंगे। तो अब हम ये ओपन करेंगे एंड इसको टेस्ट करेंगे। ये मिठाई इस ये काजू की होती है, बट वो एप्पल की तरह लुक देती है, मुझे बहुत पसंद है। और मैं कल मैंने बहुत मीठा खाया, बहुत मिठाइयाँ खाई, और आज भी मुझे खाना है। तो लेट्स ओपन दिस। सो ये है एप्पल काजू कतली। वाह ओए, इसके ऊपर तो वो फोटो भी है। ये क्या है भाभी? ये फ्रूट है, कुछ बोलते हैं फ्रूट है, पर है कौन सा फ्रूट? हमारे गांव में यही तो फ्रूट होते हैं, और बाकी सेब वे उन सबको फ्रूट नहीं मानते, बस यही मानते हैं इसको ही। अरे उल्लू, इसका नाम क्या है? माल्टा, हमारे गांव में माल्टा बोला जाता है। माल्टा, देखो इसका नाम पलटा है। वाह यार, मैं खा लूँ पूरी? खा ही लेती हूँ, माफ करना, बहुत खा लिया मैं मीठा। कुछ भी आपको हाँ, ये कौन डेट ना, मैं बहुत मीठा। ये फ्रूट की टोकरी और ये मिठाई, ये आई है बहुत स्पेशल जगह से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। कैसा लगा कमेंट से बताना, और अपना इसी तरह प्यार देते रहना। अब हमारी शादी के ब्लॉग आएंगे और आपको बहुत
बहुत अच्छे लगने वाले। ओके बाय बाय, सी यू टुमारो। और हाँ, लाइक शेयर कमेंट्स करते हुए जरूरत नहीं, इसने कोई इशारा किया। बाय।